सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पत्नी हसीन जहां द्वारा लगाए गए घरेलू हिंसा, बलात्कार और मैच फिक्सिंग जैसे संगीन आरोपों पर भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने देश को प्राथमिकता दी है और अगर जांच में मुझे मैच फिक्सिंग का दोषी पाया जाता है तो फांसी पर लटका दिया जाए। देश की बात करते हुए शमी भावुक हो गए और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक रोते रहे। अपनी पत्नी के आरोपों पर उन्होंने कहा है कि शादी से पहले अपनी पहली शादी और बच्चियों के बारे में हसीन ने उन्हें कुछ नहीं बताया और ये बात छुपाए रखी। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चियों को वो अपनी स्वर्गीय बहन की बेटियां बताती थी। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि हसीन जहां हमेशा पैसे और प्रॉपर्टी की बातें करती रहती थी। अलिस्बा नामक पाक महिला के बारे में भी शमी ने कहा, जैसे सब फैंस है वैसे ही अलिस्बा भी मेरी एक फैन है और मुझे फंसाने के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।